हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम लोग अपने इस वीडियो में जो है हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो HSPCB का पेपर हुआ था आपका असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर का EEE का पेपर जो कि आपका 7 अप्रैल 2024 को हुआ था उसका हम डिटेल सॉल्यूशन अपने इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें जितने भी क्वेश्चन है उनका डिटेल एनालिसिस आपको देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट जो है अपना कोई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये ई बुक जो है हमारे ऐप से जाकर परचेज कर सकते हैं, जिसमें पहले 2000 क्वेश्चन थे लेकिन अब इसमें 5000 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें सभी स्टेट्स के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर आपको मिलेंगे डिटेल सॉल्यूशन में। साथ में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको MCQ फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको जो है ऑल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जूनियर इन्वायरमेंट इंजीनियर के पेपर, असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर के, साइंटिस्ट के, ये सारे पेपर आपको डिटेल सॉल्यूशन में सभी स्टेट के देखने को मिलने वाले हैं, ओके। बाकी इसमें और पेपर भी आपके ऐड होते जाएंगे, तो आप लोग इस ईबुक को हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चूजिंग ऑफ प्लांट्स टू बी ग्रोन इन पॉल्यूटेड एरिया कैन बी डन बेस्ड ऑन, कह रहा है कि आपका जो पॉल्यूटेड एरिया होता है, ठीक है, तो उस पॉल्यूटेड एरिया में हम किसके माध्यम से, हम किस बेसिस पर जो है अपने प्लांट को चूज करेंगे जो उस एरिया में हम ग्रो कर सकें, ठीक है। ऑप्शन क्या रखा है आपका, APWI इंडेक्स, ASTI इंडेक्स, APTI इंडेक्स और ACTI इंडेक्स। यदि हम बात कर रहे हैं APTI मतलब एयर पॉल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये आपका इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसके डिटर्मिनेशन का, तो ये इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो कि ये डिटरमाइन करता है कि कौन से ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं जो किसी एयर पॉल्यूटेड एरिया में, किसी एयर पॉल्यूटेड एरिया में, ठीक है, एफिशिएंट है और वहाँ उनका ग्रोथ हो सकता है। किसके द्वारा पता करते हैं, ये करते हैं एयर पॉल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स के द्वारा, ठीक है। अब यदि हम बात कर रहे हैं तो जब सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड टॉलरेंस पैरामीटर की बात करते हैं तो वो आपका उस एरिया में क्या आपका जो एयर पॉल्यूटेंट का लेवल है, ठीक है, वो कैसा एरिया, उन सब पर ये आपका वेरी करता है, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए वेरी करता है। यदि हम एयर पॉल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो इसका उपयोग हम ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, ट्रैफिक नॉइज रिडक्शन, आपका पॉल्यूशन मिटिगेशन, इन सब के जो है स्टडी के लिए करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का इंपेरिकल फॉर्मूला है जिसको डिफरेंट प्लांट स्पीसीज के लिए कैटेगराइज किया गया है, आपका मेथड ऑफ सिंह एंड राव जो कि आपका 1983 में आया था, और इसका फॉर्मूला जो है APTI का क्या है, ए इंटू टी प्लस पी प्लस आर अपॉन 10। तो यहाँ पर जब आप ए की बात करते हैं, ए क्या है आपका एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट है जिसको हम मिलीग्राम पर ग्राम में लेते हैं। यदि हम बात करते हैं टी क्या है, टोटल क्लोरोफिल है जो कि हम मिलीग्राम पर ग्राम में लेते हैं, और आपका पी के यदि हम बात करते हैं तो आपका पीएच ऑफ लीफ एक्सट्रैक्ट है, और आर आपका रिलेटिव वाटर कंटेंट ऑफ लीफ है जिसको हम परसेंटेज में लेते हैं, ठीक है। तो हम किसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं, यदि हम बात करते हैं किसी पॉल्यूटेड एरिया में हमको कोई भी प्लांट का ग्रोथ करना है तो हम उस एरिया में पहले हम वहाँ का APWI इंडेक्स देखते हैं, फिर देखते हैं कि वो प्लांट वहाँ ग्रो हो पाएगा या नहीं। सही ऑप्शन, सॉरी, APTI इंडेक्स देखते हैं, APTI इंडेक्स, एयर पॉल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूटेंट्स, करेक्ट, इनमें से जो है एयर पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करने का हाईली एफिशिएंट जो है वो आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इंटरनल सेपरेटर, साइक्लोनिक स्क्रबर, वेंचुरी स्क्रबर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर या ESP की, ठीक है, तो जब हम इन अपना बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ से ये जो है, यहाँ से आपका जो फ्लू गैस, ठीक है, जो आपका फ्लू गैस है वो यहाँ से क्या करता है, पास करता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से पास करो, यहाँ पर हाईली आयनाइज, ठीक है, यहाँ पर हाईली आयनाइज जोन होता है। अब इस जोन से भी जाता है तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके पार्टिकल जो कि पार्टिकल हैं ये आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, तो इस गैस से क्या होता है, ये पार्टिकल सेपरेट आउट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये क्या करते हैं, ये हाईली जो आपका चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इसमें क्या करते हैं, तो ये इसमें सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर की, ये आपका जितनी कोल्ड बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं वहाँ पर आपका डस्ट का कलेक्ट करने में, जो फ्लू गैस से डस्ट है उसको कलेक्ट करने में, और जो एयर पॉल्यूशन है उसको आपका रिड्यूस करने में आपका यूज किया जाता है, ठीक है। ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। यदि हम बात करते हैं
इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर की इसका वाइडली यूज कहाँ कहाँ पर है, थर्मल पावर प्लांट में, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज में, माइनिंग एंड मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में, आयरन एंड स्टील प्लांट में और आपका केमिकल इंडस्ट्रीज में, यहाँ पर इसका वाइडली आपको यूज देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये आपका जो भी वेट और ड्राई आपके जो है पार्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट कर देता है, और इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 99% इसकी एफिशिएंसी देखने को मिलती है। हम बात करते हैं जब ESP की, यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर की, ये आपको गैस और जो आपका हाई वॉल्यूम फ्लो में जो मिस्ट होते हैं दोनों को जो है ये क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, ठीक है, और इन पार्टिकल्स को स्मॉल से वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को भी क्या कर सकता है, ये आपका रिमूव कर सकता है, ठीक है। ये आपको इसके बारे में आपको चीजें बता दिए, बाकी और चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कौन हाईली एफिशिएंट होगा आपका एयर पोल्यूटेंट कंट्रोल करने में, वो होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द प्लांट कॉमनली कॉल्ड एज एयर प्यूरिफायर, इसका है कौन सा प्लांट है जिसको हम एयर प्यूरिफायर के नाम से भी आपका जानते हैं। यदि हम बात करते हैं आपका क्या क्या ऑप्शन लिखा है, एजार्डिका इंडिका, आपका डालबेरिका, सिसुसु और ओलोपेटलेला। अच्छा, यदि हम बात करते हैं आपका तो जो नीम है, आपने देखा है नीम, नीम के पौधे गाँव में सबने देखा है। यदि नीम की बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एजार्डी रेट का, इसका इंडिका, इसका साइंटिफिक नेम है जिसको हम नीम के भी नाम से जानते हैं, और ये आपका एयर प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी रखने वाला आपका पेड़ होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टडीज में ये पाया गया है कि जो नीम का पेड़ होता है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे जो आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जो पॉल्यूटेंट्स है आपके एयर में उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका ग्रोथ आपका बहुत, आपका ट्रॉपिकल रीजन हो या सब ट्रॉपिकल रीजन हो, इंडिया में हर जगह इसका ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, और इसमें बहुत सारे जो है आपके मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एजा डिरिक का इंडिका, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर द मोस्ट टॉक्सिक कॉम्पोनेंट अराइजिंग आउट ऑफ प्लास्टिक बर्निंग केस, कर प्लास्टिक बर्निंग से जो है सबसे टॉक्सिक कॉम्पोनेंट कौन सा अराइज होता है, डाइऑक्सीन, इथेन, SO3, NO2। यदि हम बात करते हैं जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उससे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है, कौन कौन से, जैसे डाइऑक्सीन हो गया, फ्यूरेंस हो गया, मर्करी हो गया, ठीक है, पॉलीक्लोरिनेटेड आपका वाइफिनाइल्स हो गए, ये सारे जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं जो कि आपका चाहे वेजिटेशन हो, ह्यूमन हो या एनिमल हो, एनिमल के हेल्थ हो, इन सबको क्या करता है, यह आपका थ्रेट करता है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाइऑक्सीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डॉट इज ए रिजल्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन कॉज्ड बाय एलिवेटेड ब्लड लेवल्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कह रहा है कि आपका इनमें से कौन सा ऐसा आपका प्रॉब्लम है जो कि आपका नॉइज पॉल्यूशन के कारण, आपका जब बहुत लंबे समय तक नॉइज पॉल्यूशन के कारण आपका जो ब्लड लेवल क्या होता है वो बढ़ जाता है, तो उससे कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। यदि हम एक ऑप्शन देखा आपका कार्डियोस्कुलर प्रॉब्लम्स, हियरिंग लॉस, हाइपरटेंशन, स्लीपर डिस, चाहे हम हियरिंग लॉस की बात करते हैं, हाइपरटेंशन की बात करते हैं या स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये सारे नॉइज पॉल्यूशन के कारण होते हैं। बट यदि मैं हाइपरटेंशन की स्पेशली बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका किसी जगह पर यदि एक लॉन्ग पीरियड में आपका यदि नॉइज का लेवल जो है, नॉइज लेवल का जो है वो आपका हायर हो जाए, तो उसके कारण क्या होता है आपके बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स है जैसे आपका कोर्टिसोल है, ठीक है, एड्रेनलाइन है, ये हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और इन हार्मोन के रिलीज होने के कारण आपका जो है ब्लड लेवल जो होता है, ब्लड प्रेशर लेवल वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हाइपरटेंशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका थर्मल डिग्रेडेशन वेस्ट इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज, कह रहा है कि आपका ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में जो थर्मल डिग्रेडेशन आपका वेस्ट का होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन क्या रखा है आपका, इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन और कंपोस्टिंग। यदि हम पायरोलाइसिस की बात करते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपका केमिकली डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स का है, जिसमें हम क्या करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अपने टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और इसके कारण जो है ये आपके जो है आपके क्या होता है, ये वेस्ट डिग्रेड होते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में जो आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर वो क्या होते हैं आपका ऑक्सीजन, आपका फ्री एटमॉस्फेयर में हीट किए जाते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, ये आपके स्प्लिट आउट हो जाते हैं थर्मल क्रैकिंग एंड कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड फ्रैक्शन में, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपका टिपिकली आपका 430 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पर आपका जो है और अंडर प्रेशर आपका होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं।
ये आपका किन, अच्छा ये रेंज मेथड की बात करते हैं, आपका सुटेबल किसके लिए होता है, ये आपका सुटेबल होता है उन सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए जिनका कैलोरीफिक वैल्यू जो है हाई होता है, ठीक है। बट ये आपका थोड़ा जो है कॉस्टलियर मेथड है, ये भी आप लोग जान रखेंगे, थोड़ा आपका कॉस्टलियर मेथड होता है। अदर मेथड्स भी हैं आपके, जैसे सैनिटरी लैंडफिल मेथड है। अब सैनिटरी लैंडफिल मेथड की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस मेथड के द्वारा हम जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसका डिस्पोजल करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, अपने रिफ्यूज को, ठीक है, हम अपने रिफ्यूज को डीप गड्ढे बनाते हैं और उसमें जो उस एरिया में जो है लगभग 1.5 मीटर के थिन लेयर के रूप में हम उसमें दबा देते हैं, ठीक है। लगभग 7 दिनों तक जो है उस लेयर को हम उसमें रखते हैं, फिर उसके बाद अगला लेयर जो है उसमें लाते हैं और इस तरह से हम क्या करते हैं इसको मिट्टी के अंदर दबाते हैं। ये आपका इंटायर प्रोसेस 2 से 12 मंथ में आपको कंप्लीट हो जाता है और ये लगभग लैंडफिल जो है आपका 25 से 40% रिड्यूस कर देता है हाइट को, ठीक है। ये मेथड है आपका, ऐसे कंपोस्टिंग मेथड है। कंपोस्टिंग मेथड आपका एक बायोलॉजिकल मेथड है जिसमें जो आपका सॉलिड वेस्ट है उसका डिकम्पोजिशन जो है, ठीक है, वो किया जाता है प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको किया जाता है। इसमें एरोबिक कंपोस्टिंग की बात करते हैं तो नॉर्मली 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, इंडोर प्रोसेस कहते हैं। अब अनएरोबिक कंपोस्टिंग की बात करते हैं तो ये लगभग 5 से 6 महीने में होता है, जिसको बैंगलोर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्टिमम कंपोस्टिंग के लिए जो C/N रेशियो होता है वो आपका 30 से 50 के बीच होना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो मैं आपको बता दिया। ऐसे ही प्लोराइजेशन एंड श्रेडिंग टेक्निक है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑटोक्लेव टेस्ट भी है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें हमने दे रखा है। ये हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, कह रहा है कि आपका क्वेश्चन, तो आपका ऑक्सीजन के अब्सेंस में जो वेस्ट है उसको डिग्रेड, थर्मल डिग्रेडेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका पायरोलाइसिस से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज, कह रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कौन सा यूजफुल प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन के अंदर का इथेन, मीथेन, ऑर्गेनिक एसिड और एस। यदि हम मीथेन की बात करते हैं CH4 की, ठीक है, ये गैस किसका बाई प्रोडक्ट है, ये गैस आपका बाई प्रोडक्ट है अन एरोबिक डिकम्पोजिशन का, ठीक है, जो कि आपका जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं इन्वायरमेंट में वो लैक ऑफ ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस नेचुरली आपका करता है लैंडफिल्स में, जहाँ पर आपके ऑर्गेनिक वेस्ट जो है या फूड स्क्रैप हो गया, इनको क्या करते हैं हम डिकम्पोज करते हैं। अब वहाँ से क्या होता है कि मीथेन जो कि आपका एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो वहाँ से लैंडफिल से रिलीज होता है, उसको हम कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं बायोगैस में, जिससे हम इलेक्ट्रिक जनरेशन या हीटिंग कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा मीथेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ऑप्टिमम C/N रेशियो आइडियल फॉर इफेक्टिव कंपोस्टिंग इस, कर रहा है इफेक्टिव कंपोस्टिंग के लिए आपका आइडियल C/N रेशियो ऑप्टिमम कितना होता है। यदि हम बात करते हैं कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की, ठीक है, यदि हम प्रोग्रेस ऑफ डिकम्पोजिशन यदि बात करते हैं कंपोस्टिंग मास की, ये इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होता है, ये आपका C/N वैल्यू से होता है, ठीक है। अच्छा यदि हम बात करते हैं यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म की यदि बात करते हैं, ये आपका 3 पार्ट ऑफ कार्बन के लिए आपका 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो इनिशियली आपका जो C/N रेशियो आपका 30 जो कि आपका फेवरेबल होता है रैपिड कंपोस्टिंग के लिए, ठीक है। रैपिड कंपोस्टिंग के लिए आपका C/N का रेशियो 30 होता है, मतलब 30:1 वो आपका जो है सबसे ज्यादा आपका जो है इफेक्टिव होता है, ठीक है। एरोबिक डाइजेशन के लिए आपका 30:50 आपका रेशियो होता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर आप सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करें आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, करें इन द एक्सपोनेंशियल फेज द सेलुलर मेटाबॉलिक कंट्रोल सिस्टम इज सेड टू अचीव मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहा है आपका एक्सपोनेंशियल फेज में जो सेलुलर मेटाबॉलिक कंट्रोल सिस्टम है वो आपका मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अचीव करता है। अच्छा ऑप्शन दे रखा है, ये आपको पहला दे रखा है। दूसरा कह रहा है आपका द डिक्लेरेशन ग्रोथ फेज फॉलोज द स्टेशनरी फेज, जो कि आपका कह रहा है डिक्लेरेशन ग्रोथ फेज जो है वो आपका स्टेशनरी फेज फॉलो करता है, नहीं ये आपका स्टेटिक करता है, सॉरी ये आपका स्टेशनरी नहीं करता, ये तो आपका जो है रैपिड ग्रोथ होता है, तो आप स्टेशनरी होगा नहीं। तो कह रहा है एक्सपोनेंशियल फेज अकर्स इमीडिएटली आफ्टर बिफोर इंक्लेरेशन, तो ये भी नहीं होगा। तो कह रहा है आपका करेक्ट स्टेटमेंट बताना, ओके। तो कह रहा है स्टेशनरी फेज स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ लैग फेज, लैग फेज से आपका पहले होता है, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट, तो सही स्टेटमेंट पहला है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है आपका प्रैक्टिकली एंड एडल्ट कैन परसीव साउंड एबव, कह रहा है प्रैक्टिकली एडल्ट जो है कितने साउंड को परसीव कर सकता है।
हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो आपका एक यूनिट टाइम में जो है आपका कितना वेव पास हुआ उसको फिक्स टाइम में उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, उसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। जो इंफ्रासोनिक साउंड्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, ठीक है, जो कि जनरली आपका बिगर साइज ऑफ अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन से जो आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यदि हम साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो जो आपका बिलो ऑडिएबल रेंज होता है उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है, जो आपका ऑडिएबल रेंज से नीचे होता है। यदि ऑडिएबल साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात करें ये आपका 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जो कि आपका ह्यूमन ईयर के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना ये आपका सेंसिटिव नहीं होगा। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या होगा 11,000 हर्ट्ज, 20 से 11,000 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे फ्रॉम हाउसेज वॉल्स बिल्डिंग्स द बायोगैस प्लांट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट लीस्ट स्पेसिंग। कह रहा है आपका हाउस से वॉल से बिल्डिंग से या बायोगैस प्लांट से जो हम अपने घर बनाते हैं उसकी एट लीस्ट जो स्पेसिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए। यदि हम बात कर रहे हैं जो मिनिमम डिस्टेंस होता है आपका आपके घर से आपके जो वॉल फाउंडेशन से वो आपका कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए आपके बायोगैस प्लांट्स का, ठीक है, एटलीस्ट। और ये आपका जो है आपका जितने भी ट्री वगैरह है उनके रूट वगैरह उनको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी जो ड्रिंकिंग पर्पज वाटर वगैरह वेल वगैरह है उससे ये एटलीस्ट 15 मीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 15 मीटर, बट यहाँ पर कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है तो हम लगभग बी को जो है 2 मीटर दे रखा है ना, 1.5 मीटर हमको रखना है आपके फाउंडेशन से 1.5 मीटर, तो हम बी को मान सकते हैं 2 मीटर वाला। अगला क्वेश्चन कर रहा है 99% ऑफ द सन्स रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड अप टू द वेवलेंथ ऑफ। कर रहा है आपका 99% जो है सन रेडिएशन होता है वो कितने वेवलेंथ तक ऑब्टेन होता है। यदि हम बात करते हैं अबाउट 96% ऑफ सन एनर्जी जो है फॉल करता है आपका 0.27 माइक्रोमीटर से लेकर जीरो आपका 2.6 माइक्रोमीटर के रेंज में, और आपका 99% जो आपका एनर्जी आपका वो आपका एक्सटेंडेड रेंज ऑफ 4.0 माइक्रोमीटर के रेंज में आता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 4.4 माइक्रोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे विच ऑफ द फॉलोइंग, करे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैटेगरी बी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन। करे वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन में कौन यहाँ पर कैटेगरी बी में आएगा, डैम एंड रिजर्वायर, इंडस्ट्रियल प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी, हैजार्डस मटेरियल प्रोडक्शन प्लांट। यदि हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स जो है जैसे विंड फार्म, सोलर प्लांट्स हो गए, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए, आपका जनरली इनको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली माना जाता है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्स, तो इसलिए इसको जो है जो आपका ठीक है वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन है क्योंकि ये इकोसिस्टम के लिए आपको उतने हानिकारक नहीं, इसलिए इनको कैटेगरी बी में रखा गया जो कि आपका मॉडरेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को आपको बताता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको रिन्यूएबल एनर्जी को हम रखते हैं किसमें आपका कैटेगरी बी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ISO 14001 डील्स विद, कह रहा है ISO जो है आपका जो है 14001 वो किस कैटेगरी में आएगा, तो किसके साथ डील करता है, गाइडलाइंस फॉर इन्वायरमेंटल एडल्टिंग मीनिंग, स्पेसिंग फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, आपका स्पेसिफिकेशन फॉर इन्वायरमेंटल डिक्लेरेशन। यदि हम बात करते हैं ISO 14001 जो कि आपका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, ये आपका इसमें आता है, तो आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में भी बाकी और स्टैंडर्ड्स भी ISO को देख सकते हैं। ISO 14001 तो आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, आपका ISO 14010 जो है इन्वायरमेंटल अडल्टिंग में आएगा। यदि ISO 14020 की बात करते हैं तो यह आपका इन्वायरमेंटल लेबलिंग स्टैंडर्ड्स कैटेगरी में आएगा, ये इसको बताता है। ISO 14030 आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवेल्यूशन को बताता है, आपका ISO 14040 की यदि हम बात करते हैं ये आपका लाइफ साइकिल असेसमेंट आपको बताता है, ISO 1450 की यदि हम बात करते हैं ये आपका वीकोबिलिटी जितने टर्म्स एंड डिफिनेशन है उसको बताता है आपका मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का, और ISO 1460 आपका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इन प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को बताता है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट रूल वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, कह रहा है आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आपका जो है हैंडलिंग और मैनेजमेंट का जो रूल है वो किस ईयर में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं गवर्नमेंट ने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो रूल लाया वो आपका 2000 में लाया, ठीक है, लेकिन वो उस रूल को जो है 2016 में 8 अप्रैल 2016 में इस रूल को
आपका मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। तो वहाँ से आपका न्यू सॉलिड मैनेजमेंट रूल आता है, तो आप जो इस रूल को आप पढ़ेंगे आपके क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यदि हम MHW रूल 2000 की बात करते हैं, ये डिटेल गाइडलाइंस देता है आपका सॉलिड मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए डिटेल गाइडलाइंस देता है, और ये आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल का एक नोडल एजेंसी है जो इसको मॉनिटर करता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2000। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल EMS इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डॉट विथ सम रेगुलेटरी इन मेनी कंट्रीज विच इज बींग अप्लाइड। करा कि मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल आपका जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है इंटरनेशनली कौन सा है स्टैंडर्ड जो कि आपका रेगुलेटरी ऑफ मेनी कंट्रीज को बताता है। यदि हम बात करते हैं ISO 14001 का, ये आपका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड है आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। ये आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए आपका स्ट्रेटजिक अप्रोच इन्वायरमेंटल इशूज इन सब पे स्टडी करता है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ISO 14001। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एसर्शन दे रखा है आपको क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन स्टेट ऑफ इंडिया हैव बिकम वाटर स्ट्रेस। कह रहा है आपका इंडिया में जो है लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आपका वाटर स्ट्रेस हो गए हैं। कह रहा है रीजन क्या दे रखा है, कह रहा है पॉल्यूशन इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड एप्रिसिएबली सिंस इंडिपेंडेंस। कह रहा है इंडिपेंडेंस के बाद से भारत में जो पॉपुलेशन है वो आपका बहुत तेजी से बढ़ा है। यदि हम बात करते हैं दोनों एसर्शन है और रीजन, यदि हम इंडिया में बात करते हैं तो आपका इस समय सिग्निफिकेंट वाटर स्ट्रेस, बहुत सारी ऐसी सिटी जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी आपको देखने को मिल रही है। इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, तो इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट चेंज, इन सब के कारण भारत के बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पर आपको वाटर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यदि कंपनियाँ वगैरह बन रही हैं तो उसके कारण आपका वाटर डिमांड भी बढ़ रहा है, बट वहाँ पर जो है आपको इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के कारण जो है आपको वाटर हम उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका स्ट्रेस वाटर, ठीक है। यहाँ पर वाटर स्ट्रेस हो रहा है किसके कारण, तो आपका दे रखा है इंडिपेंडेंस के बाद जो आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था। यहाँ पर एसर्शन और रीजन दोनों आपका करेक्ट है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे बाय द ईयर 2030 इंडिया गवर्नमेंट हैज ए न्यू टारगेट ऑफ सोलर पावर जनरेशन ऑफ। कह रहे आपका 2030 तक जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने सोलर पावर जनरेशन का न्यू टारगेट अपना क्या डिसाइड किया है। यदि हम बात करते हैं इंडिया, यदि बात करते हैं वर्ल्ड का चौथा जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, और थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है आपका विश्व का, जो कि आपका 40% एनर्जी कैपेसिटी जो है 2022 में इंस्टॉल किया गया, जो कि 160 गीगावाट से 400 गीगावाट तक का है, ठीक है, जहाँ पर आपका सारी रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल सोर्सेज से आते हैं। यदि हम अर्नेस्ट एंड यंग जो है उसका 2021 का रिन्यूएबल एनर्जी अचीवमेंट इंडेक्स को देखते हैं तो वहाँ पर इंडिया तीसरे स्थान पर है USA और चाइना के बाद, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया जो है आपका 50 गीगावाट का टेंडर जो है आपका विंड सोलर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च करेगा, और इंडिया 2023 तक अपना गोल बनाया है कि हमें 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना है। कितना हो जाएगा आपका 500 गीगावाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए रिवर फ्लोइंग एट 20 m³ हैज ए ट्रिब्यूटरी फीडिंग इनटू इट विद ए फ्लो रेट। अच्छा, यहाँ पर फ्लो रेट कितना देखा है, 5 m³/s अप स्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जंक्शन। द फ्लोराइड कंसंट्रेशन इज 5 mg/L। यहाँ 5 mg/L का फ्लोराइड कंसंट्रेशन है रिवर में, और आपका 10 mg/L का आपका ट्रिब्यूटरी अज्यूम कर रहा है फ्लोराइड का, ओके। डाउन स्ट्रीम कंसंट्रेशन इन रिवर इज, कह रहा है रिवर में आपका डाउन स्ट्रीम कंसंट्रेशन कितना होगा, ठीक है। यदि हम डाउन स्ट्रीम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला है CM=CS+QS। यदि हम यहाँ पर यदि अपने फॉर्मूला में रखें वैल्यूज को, कंसंट्रेशन ऑफ डाउन स्ट्रीम जंक्शन कितना रखा है, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ डाउन स्ट्रीम जंक्शन आपका 10 दे रखा है ना, 10 mg/L, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 10 × आपका QS की यदि हम बात करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ ट्रिब्यूटरी कितना दे रखा है आपका, ये आपको 20 दे रखा है, 10 × 20+। यदि हम CW की बात करते हैं आपका, तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटेंट ट्रिब्यूटरी कितना दे रखा है, कंसंट्रेशन पॉलिटेंट ट्रिब्यूटरी आपका 5 mg/L दे रखा है ना, 5 दे रखा है आपका। यदि हम बात करते हैं किसकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर कितना है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर V5 है अपॉन QS आपका कितना है 20 + QW कितना है 5,
इसको सॉल्व करेंगे, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे 6 मिलीग्राम पर लीटर आपकी वैल्यू आएगी, 6 मिलीग्राम पर लीटर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 मिलीग्राम पर लीटर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें इन द डिजाइन प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी विच स्टेज फोकसेस ऑन क्रिएटिंग द स्केलेटल फॉर्म आर सिमेटिक ऑफ द प्रोजेक्ट। कह रहा है कि आपका डिजाइन प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी में कौन सा स्टेज है जो आपका स्केलेटल के आपको फॉर्मेशन पे क्रिएट करने फोकस करता है। यदि हम बात करते हैं जो आपका सिमेटिक डिजाइन होता है उसमें क्रूशल फेज होता है डिजाइन प्रोसेस का, ठीक है, जिसमें आपका पर्टिकुलरली जो सस्टेनेबल डिजाइन होता है वो होता है। इस स्टेज में आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका स्टेटमेंट को आपका जो है देखा जाएगा, उसको टेक्निकल डिटेलिंग प्रोवाइड की जाती है। सबसे आप सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक डिजाइन, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कंबाइंड रिस्क एंड लैंड यूज अप्रोच आल्सो हेल्प्स टू मॉडरेट द चैलेंज ऑफ एनवायरमेंटल क्लीनअप। कह रहा है आपका कंबाइंड रिस्क एंड लैंड यूज जो अप्रोच है, ठीक है, आपका एक अप्रोच है कंबाइंड रिस्क एंड लैंड यूज अप्रोच जो है ये आपका जो है हेल्प करता है आपका मॉडरेट चैलेंज ऑफ एनवायरमेंटल क्लीनअप के लिए। तो ये किसके अंडर करता है, ठीक है, यदि हम बात करते हैं आपका कंबाइंड रिस्क एंड लैंड यूज अप्रोच की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका हेल्प करता है आपका जो भी एनवायरमेंटल क्लीनअप की यदि हम बात करते हैं उसमें जो मॉडरेट चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, जो मॉडरेट चैलेंजेस होते हैं उनको जो है दूर करने का जो है ये अप्रोच है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वन साइज जो आपका होता है, मतलब हम क्या करते हैं कि जितने भी आपके एनवायरमेंटल क्लीनअप के जितने भी आपके मतलब चैलेंजेस हो सकते हैं उन सभी के लिए हम आपका वन साइज फिट ऑल इस तरह का हम डायरेक्टली अपना जो है अप्रोच रखते हैं, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग हम डिवाइड नहीं करते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग रिस्क को हम डिवाइड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं एक ही आपके जो आपका साइज फिट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पूरे चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वन साइड फिट्स ऑल, हम इंडिविजुअल कैरेक्टर रिस्क वगैरह को इसमें ध्यान नहीं रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, डॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द सुपर फंड क्लीनअप प्रोसेस इन द यूनाइटेड स्टेट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल है सुपर फंड क्लीनअप प्रोसेस के लिए, आपका रेगुलेशन के लिए आपका यूनाइटेड स्टेट में। यदि हम बात करते हैं क्या क्या ऑप्शन रखा है, क्लीन एयर एक्ट, क्लीन वाटर एक्ट, कॉम्प्रहेंसिव इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स कॉम्पनसेशन एंड लाइबिलिटी एक्ट और टॉक्सिक सब्सटेंस कंट्रोल एक्ट। यदि हम बात करते हैं जो आपका कॉम्प्रहेंसिव इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स कॉम्पनसेशन एंड लाइबिलिटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं आपका CERCLA, इसको आपको जो है किसके लिए जाना जाता है, तो इसको आप जाना जाता है सुपर फंड लॉ के लिए, ठीक है, जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जो क्लीनअप प्रोसेस यूनाइटेड स्टेट में है वहाँ पर सुपर फंड जो है उसके रेगुलेशन के लिए, सुपर फंड के रेगुलेशन के यूनाइटेड स्टेट में जो हमारा क्लीनअप प्रोसेस है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका द कॉम्प्रहेंसिव एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स कॉम्पनसेशन एंड लाइबिलिटी एक्ट, ठीक है। यदि इस एक्ट की बात करते हैं तो ये एक्ट जो है आपका US कांग्रेस द्वारा एड्रेस किया गया था आपको कब, 1980 में, ठीक है, जिसका काम क्या था, तो इसका काम था जितने भी कॉन्टेमिनेटेड साइट्स हैं चाहे वो पॉल्यूटेंट्स हैं या आपका हैजार्डस सब्सटेंसेस हैं उनका क्लीनअप करना, ठीक है। ये लॉ जो है आपका लीगल फ्रेमवर्क और अथॉरिटी का आपका जो है फॉर्मेशन करता है, ठीक है, हैजार्डस वेस्ट वगैरह जो है या जो भी आपके कंटेमिनेटेड साइट्स हैं उनको साफ सफाई के लिए, जिसके लिए वो पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट को सही से अपना कंट्रोल कर सके, ठीक है। ये आपको ऑप्शन से क्या हो जाएगा सही, यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स कॉम्पेंसेबिलिटी एंड लाइबिलिटी एक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैन द प्रोसेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड एरिया ड्यू टू वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग क्लाइमेटिक वेरिएशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड। कह रहा है आपका जो लैंड डिग्रेडेशन का, ठीक है, क्लाइमेट वेरिएशन और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो एरिड सेमी एरिड एंड सब एरिड रीजन में जो वेरियस फैक्टर के कारण जो आपका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं। यदि हम बात करते हैं ऑप्शन क्या क्या रखा है आपका, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन अलग चीज है आपका, लैंडस्लाइड अलग चीज है आपका, ठीक है। यदि हम डिसर्टिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो आपका डिसर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है आपके
लैंड को, उसकी जो फर्टिलिटी है जो कि आपका इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण, ठीक है, वो आपको क्या होती है, डिग्रेड होते जा रही है और आपका लैंड जो है डेजर्ट में अपनी बायोडाइवर्सिटी को लूज करके डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है, चाहे अपनी बायोडाइवर्सिटी हो या वाटर बॉडीज हो या वेजिटेशन हो या वाइल्ड लाइफ, इन सबको लूज कर रहा है और आपका डेजर्ट में कन्वर्ट होते जा रहा है, इसको हम कहते हैं डिसर्टिफिकेशन, ठीक है। यदि हम एज पर यूनाइटेड कन्वेंशन यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की, तो इसको एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरिया में आपको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें वेरियस फैक्टर इस कैटेगरी के इन्वॉल्व हैं, जैसे क्लाइमेट वेरिएशन आपका हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी हो गया, ठीक है, ये सारे इसमें। यदि लैंड की बात करते हैं तो लैंड क्या होता है, लैंड आपका वर्ड जो है रेफर करता है आपका टेरेस्टेरियल बॉडी, जहां पर बायो प्रोडक्ट सिस्टम आपका फॉर्म होता है, ठीक है। यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर सही ऑप्शन होगा डिसर्टिफिकेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन, यहां पर डिसर्टिफिकेशन का आप लोग जो है कॉजेज देख सकते हैं, जिसमें आपका डिसर्टिफिकेशन के दो मेन कॉजेज क्या है, आपका ह्यूमन फैक्टर्स और दूसरा क्लाइमेटिक चेंज। यदि ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें आपका हाई पॉपुलेशन और पॉवर्टी हो सकता है, फिर इनअप्रोप्रिएट आपका इरिगेशन यदि करते हैं तो ये भी आपका कारण हो सकता है डेजर्ट में कन्वर्ट होने का, ठीक है। यदि क्लाइमेटिक चेंज की हम बात करते हैं, इसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो आपका इसका इफेक्ट आपका एटमोसफियर पड़ता है, आपका हाइड्रोस्फियर पर भी पड़ता है, लिथोस्फियर, बायोस्फियर, इन सब पे इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लोकल क्लाइमेट आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, ड्रॉट वगैरह देखने को मिल सकता है, वाटर साइकिल आपका इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, आपकी लैंड को सॉइल इरोजन की इंटेंसिटी वो बढ़ सकती है, ये सारी प्रॉब्लम इसके कारण आ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर एग्जिस्टिंग विद इन द अर्थ सरफेस इज नोन एज, कह रहा है जो एनर्जी आपका हाई टेम्परेचर के कारण आपके अर्थ सरफेस से डिराइव्ड होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, विंड एनर्जी, हाइड्रोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या सोलर एनर्जी। यदि हम बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की, ठीक है, तो ऐसे प्लेसेस जहां पर आपके हॉट रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है, जहां पर आपका हॉट रॉक्स अकर करते हैं वहां पर कुछ डेप्थ पर, ठीक है, कुछ डेप्थ पर जो हॉट रॉक्स, जहां पर हॉट रॉक्स जो है कुछ डेप्थ पर अकर करते हैं, ऐसे अर्थ सर्फेस को हम कहते हैं आपका हॉट स्पॉट्स। यदि हम बात करते हैं ये जो आपके हॉट स्पॉट्स हैं ये आपका जियोथर्मल एनर्जी के सोर्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है, ये हॉट स्पॉट जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको फर्दर टर्बाइन को रोटेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। यदि हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि आपका अर्थ कोर से आपका लिया जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है, जब आपका जो अर्थ का कोर है उसमें जो आपका जो गर्म भाग है वहां से क्या होता है, तो वहां से आपका हीट जनरेट होता है। अब उस हीट जनरेट के कारण जो भी आपके रेडियो प्लैनेट पे जो है फॉर्मेशन होता है आपका रेडियो एक्टिव डीके और मटेरियल्स का, ठीक है, अब ये थर्मल एनर्जी आपके रॉक से स्टोर कर लेते हैं और जो भी फ्लूड आता है उसको वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां से ऑप्शन क्या होगा आपका, जियोथर्मल एनर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट विंड फार्म इन इंडिया, कह रहे इसमें से किस स्टेट के पास जो है आपका लार्जेस्ट विंड फार्म है आपका इंडिया में, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। यदि हम बात करते हैं लार्जेस्ट विंड पावर क्लस्टर कहां पर है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट आपका तमिलनाडु में, ठीक है, इसको मुपंडल विंड फार्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपका थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल ऑनशोर विंड फार्म है पूरे वर्ल्ड में। यदि हम बात करते हैं जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 15,000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। यदि हम विंड फार्म की बात करते हैं तो इसको विंड पार्क, विंड पावर स्टेशन या आपका विंड पावर प्लांट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर विंड की बात करते हैं तो ये आपका इनएक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, रिलायबल है एंड नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। यदि हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो कौन सबसे बड़ा लार्जेस्ट विंड फार्म है इंडिया में, तो वो आपका तमिलनाडु का कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, कह रहा है कि इनमें से कौन जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए एक थ्रेट नहीं है, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटिव स्पीसीज, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लोटेशन। अच्छा जी, हम बात करते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी की। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी आपका
अर्थ में जो अर्थ पे अपनी लाइफ है, लाइफ साइकिल है, उसमें जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो इकोसिस्टम के साथ जो वेराइटी है उसको बताता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देयर आर मेनी थ्रेट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इन दिस वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द ऑप्शंस। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका, यदि हम बात करते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन की, इसमें क्या होता है कि आपका जो लार्ज हैबिटेट है वो स्मॉलर ब्रोकन आपके हैबिटेट में क्या होता है, टूट जाता है, आइसोलेटेड पैचेस में टूट जाता है। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो आपके स्पीसीज हैं उनके लिए जो अवेलेबल स्पेस है, ठीक है, वो आपका रिड्यूस हो जाएगा और आपका उनका माइग्रेशन पैटर्न डिस्टर्ब होता है। ठीक है, इससे उनके एक्सटेंशन जो होता है, उनके जीने के जो हैबिटेट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपका जो है उसका जो है रिस्क वहां पर इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये आपका थ्रेट हुआ बायोडाइवर्सिटी के लिए। दी पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, अब ज्यादा पॉल्यूशन होगा तो कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, ये सब पॉल्यूटेंट्स के कारण, जैसे केमिकल पॉल्यूटेंट्स हो गए, टॉक्सिन हो गए, ठीक है, इनके कारण इकोसिस्टम पे पूरा इनका बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो भी पॉल्यूशन है वो डायरेक्टली पॉइजन ऑर्गेनिज्म या आपका फूड चेन जो है उसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, पूरे हैबिटेट और आपका जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो सकता है इसके कारण। ठीक है, तीसरा यदि हम बात करते हैं ओवर एक्सप्लोटेशन की बात करते हैं, तो जो भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, यदि उसका एक्सेसिव आप जो हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे आपका हंटिंग ऑफ एनिमल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप सस्टेनेबल बियॉन्ड सस्टेनेबल लेवल पर आप फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके कारण भी आपका बायोडाइवर्सिटी जो है वो इफेक्ट होता है, तो ये भी उसके लिए थ्रेट है। यदि हम इंट्रोड्यूसिंग ऑफ नेटिव स्पीसीज, तो यदि अलग अलग स्पीसीज को हम अपने बायोडाइवर्सिटी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे कोई आपका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो ये तीनों यदि हम बात करते हैं, ये तो आपका हार्मफुल इफेक्ट, ये थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, बट सही ऑप्शन होगा इंट्रोडक्शन ऑफ नेटिव स्पीसीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, कह रहा आपका जो किस साल को, कौन सा ऐसा ईयर था जिसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से मनाया गया था। यदि हम बात करते हैं तो आपका 2010, जो आपका ईयर 2010 है, ठीक है, उसको इंटरनेशनली आपका जो है बायोडाइवर्सिटी ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा 2010। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका करें अगला क्वेश्चन, ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच प्रोवाइड गाइडेंस ऑन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइड बाई, करें आपका, अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के को अप्लाई करने के लिए कह रहा है कि आपका कौन से प्रिंसिपल हैं जो आपका गाइडेंस वगैरह जो है वो उसको अचीव करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है आपका, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNECE कन्वेंशन, यूरोप डायरेक्टिव और रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यदि हम बात करते हैं अपना रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट की, तो ये डिक्लेरेशन आपका अडॉप्ट किया गया आपका 1992 में, जो वहाँ पर अर्थ समिट हुआ था वहाँ पर, जिसमें आपके टोटल 27 प्रिंसिपल जो है वो आपके इस्टेब्लिश किए गए किसके लिए, तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल आपके जो है वेरियस एस्पेक्ट जैसे ह्यूमन वेलबींग, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इक्विटेबल डेवलपमेंट, इन सबको कवर करते हैं। ठीक है, यदि हम रियो डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो ये आपका जो है यहाँ पर ही की प्रिंसिपल जो है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल स्केल के लिए जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड भी किए गए हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ प्रोसीडिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका, डॉट ऑन EIA इन ए ट्रांसबाउंड्री कॉन्टेक्स्ट इज द फर्स्ट मल्टी लेटरल EIA ट्रीटी। अच्छा, कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सा जो है आपका EIA के लिए ट्रांसबाउंड्री कॉन्टेक्स्ट है जो कि आपका पहला मल्टी लेवल आपका EIA ट्रीटी है। अच्छा, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, रियो डिक्लेरेशन आपका, अच्छा, यदि हम बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन ए ट्रांसबाउंड्री कॉन्टेक्स्ट की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो UNECE की यदि हम बात करेंगे तो आपका जब कन्वेंशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन ट्रांसबाउंड्री की बात करते हैं तो वो किसके अंडर आता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप कन्वेंशन, जो कि आपका ISPU जो कि फिनलैंड में है वहां पर ये ट्रीटी साइन की गई थी, और कब की गई थी, 1991 में, और 1997 में ये एक्ट आपका आ गया था। ठीक है, ये एक्ट आपका लागू हो गया था। ठीक है, और इसमें ये डिसाइड किया गया कि जो भी स्टेट हैं वो आपका कन्वेंशन जो कि बाउंड किए गए हैं उस पर एग्री होंगे, जिससे आपके इन्वायरमेंट में जो आपके इम्पैक्ट होते हैं उसको एसेस किया जा सके और आगे जो है एक्टिविटी के लिए अर्ली स्टेज में हम प्लानिंग
कर सकें। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, UNECE कन्वेंशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2012 रिसाइकलिंग ऑफ द प्लास्टिक शुड बी डन अकॉर्डिंग टू, करे अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 जो आपका प्लास्टिक जो होता है उसकी रिसाइकलिंग के लिए कौन सा कोड आपका दे रखा है। यदि हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग आपका रूल 2011, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के लिए आपका जो कोड है वो कौन सा है, वो कोड है आपका IS 1314534 1998। तो ये कोड आपका प्लास्टिक्स के रिसाइकलिंग के लिए है। ठीक है, यदि हम रिसाइकल्ड कैरी बैग्स की हम बात करते हैं, ये आपका कौन सा IS कोड है उसके लिए, IS 1415 34 1998, जिसको आपका गाइडलाइंस फॉर रिसाइकल ऑफ प्लास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यदि IS 2828 1964 की बात करते हैं, तो इसमें जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए टर्म्स जो हैं उसकी ग्लोसरी दे रखी है आपकी। यदि हम IS 7019 1982 की बात करते हैं, तो इसमें प्लास्टिक एंड फ्लेक्सिबल पैकेजिंग पेपर क्वाटा का एक्सक्लूड पेपर आपका ग्लोसरी टर्म दे रखा है। यदि IS 1435 1998 की बात करते हैं, तो इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं उनके डिज़ाइन वगैरह के बारे में जो रिसाइकल प्लास्टिक के लिए है उसका कोड दे रखा है। हमारा यदि बात करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका IS 1435 1998। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है चूज द एग्रीमेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल विच इज लीगली बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरी कंट्रीज। अच्छा कह रहा है इनमें से कौन सा एग्रीमेंट, कौन सा आपका ऐसा एग्रीमेंट या कन्वेंशन या प्रोटोकॉल है जो कि आपका सिग्नेचर द्वारा जो कंट्री को लीगली बाइंड करता है। पेरिस एग्रीमेंट दे रखा है, बेसल कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन आपका ट्रीटी है जो कि आपका एग्रीमेंट है डिफरेंट कंट्री के बीच जो कि आपका लीगली बाइंड करता है आपका स्टेट्स को इसके लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इसमें जो है ट्रेड, साइंस, क्राइम, डिसरेसमेंट, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन राइट, सारी चीजें जो है इस कन्वेंशन में आते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट की, यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यदि हम बात करते हैं किसकी, पेरिस एग्रीमेंट की, ये आपका पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये क्लाइमेट चेंज पे है आपका, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे कौन है, पेरिस एग्रीमेंट जो कि आपका लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, ये आपको 196 देशों द्वारा एडॉप्ट किया गया था, कब, COP 21 इन पेरिस आपका 12 दिसंबर 2015 को, और ये आपका 4 नवंबर 2016 से आपका लागू हो गया था। ठीक है, इसका गोल क्या है, तो इसका गोल है आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको जो है लिमिट करना। ठीक है, ये आपका पेरिस वाला हो गया। यदि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो ये आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है उसके लिए आपका जो है प्रोटोकॉल है जो कि 1997 में आया था। ठीक है, यदि हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो है यूनाइटेड नेशन का जो है क्लाइमेट चेंज पर आपका एक फ्रेमवर्क है जो कि आपका इंटरनेशनल ट्रीटी है। ठीक है, ये आपका 1997 में आया था। इस तरह और चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो ये आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ठीक है, यदि हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो ये आपका स्वीडन में 1968 में हुआ था। ठीक है, जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए आपका ये आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, इसमें एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट आता है। आपका आयोग जो है आपका इसका आंसर जो दे रखा है वो डी दे रखा है, बट करेक्ट आंसर आपका पेरिस एग्रीमेंट होगा। ठीक है, आयोग ने आपका आंसर जो दे रखा है इसके लिए वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जबकि सही ऑप्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होगा, आपका पेरिस एग्रीमेंट होगा, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इको लेबलिंग इज गवर्न बाई, कह रहा है इको लेबलिंग जो है किस कोड के द्वारा गवर्न किया जाता है। यदि हम बात करते हैं ISO स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एस्पेक्ट की, तो यदि हम ISO 14001 की बात करते हैं, ये आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को रेफर करता है। यदि ISO 14010 की बात करते हैं, तो इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग को रेफर करता है। यदि हम ISO 14020 की यदि हम बात करते हैं, तो ये आपका इन्वायरमेंटल लेवलिंग स्टैंडर्ड्स को रेफर करता है। यदि हम ISO 14030 की बात करते हैं, तो ये आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन को आपका जो है रिफॉर्म करता है। यदि हम ISO 1404 की यदि हम बात करते हैं, ये लाइफ साइकिल असेसमेंट से आपका रिलेटेड है। यदि हम बात करते हैं ISO 14050 का,
जितने भी टर्म्स एंड डेफिनेशन है ये उसके लिए रिफर करता है, और ISO 14060 के लिए हम बात करते हैं तो ये आपका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को रेफर करता है। यदि इको लेबलिंग की बात करते हैं तो ये आपका ISO 14020 इसको रेफर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका यहाँ पर एसर्शन रिजन का क्वेश्चन है। एसर्शन क्या दे रखा है, कह रहे व्हेन क्वांटिटेटिव प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क असेसमेंट इज परफॉर्म्ड ऑन हैजार्डस वेस्ट साइट्स दे यूजुअली टर्न आउट टू बी रिलेटिवली लो थ्रेट्स। कह रहा है यदि आपका क्वांटिटेटिव प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं अपना हैजार्डस वेस्ट साइट के लिए, ये कह रहा है आपका रिलेटिवली लो थ्रेट आपका टर्न आउट करेगा। ओके, रीजन क्या रखा है, इन हैजार्डस वेस्ट साइट्स द चांस ऑफ एक्सपोजर इज लो बिकॉज ऑफ आइसोलेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड प्रिवेंशन ऑफ एसेस। कह रहा है कि हैजार्डस वेस्ट साइट पर जो है एक्सप्लोजन जो उसका एक्सपोजर है उसका चांस कम होता है क्योंकि वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज वगैरह जो है उनको जो है आइसोलेट कर दिया जाता है। यदि हम चलते हैं अपने इसके एक्सप्लेनेशन पे, जो आपका क्वांटिटेटिव प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं, ये आपका कॉमनली परफॉर्म किया जाता है हैजार्डस वेस्ट साइट पर आपके पोटेंशियल जो रिस्क है जो हैजार्डस सब्सटेंसेस है उसके एक्सपोजर के कारण जो आपके पोटेंशियल रिस्क हैं उसको इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, इस असेसमेंट में आपका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपके पूरे मॉडल प्रोबेबिलिटी के वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो कि आपका हेल्थ इफेक्ट जो अकर करता है एक्सपोजर के कारण उसको ध्यान में रखती हैं। ठीक है, अब इस असेसमेंट के कारण यदि देखा जाए तो चूंकि हम असेसमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है जो हमारे हजारस वेस्ट साइट है उनको हम क्लोज रख रहे हैं तो इसके कारण यहाँ पर एक्सपोजर देखने को नहीं मिलता है। तो यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर दोनों एसर्शन और रीजन आपके करेक्ट हैं और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है रिड्यूस्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर इज नोन एज। कह रहा है किसी वाटर बॉडी में जो है यदि रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कंटेंट है तो उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या देखा आपका, एनोक्सिया, एपोक्सिया, एपोक्सिया और आपका हाइपोक्सिया। यदि हम बात करते हैं आपका हाइपोक्सिया की, यदि हम बात करते हैं तो ये आपका एक साइंटिफिक टर्म है। ठीक है, जो कि आपका जब वाटर कंटेंट है उसमें भी ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कंटेंट आपका लेस देन जो आपका एक्वेटिक लाइफ है उनके जितना नीड है उससे कम हो जाए तो उसको उसके लिए हम हाइपोक्सिया टर्म जो है उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन का आपका सिग्निफिकेंट निगेटिव इम्पैक्ट होगा आपके इक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि जो आपका रिक्वायर्ड ऑक्सीजन लेवल है जो एक्वेटिक लाइफ है आपके फिशेज वगैरह हैं उनके लिए उससे कम ऑक्सीजन कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल है तो वहाँ पर सर्वाइवल में उनको प्रॉब्लम होगी। यदि हम एनोक्सिया की बात करते हैं तो ये टर्म जो है कंप्लीट ऑक्सीजन यदि आपका एब्सेंस हो जाए किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में तो उसको हम इस टर्म से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका एक एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पर आपका जो ओशियन जोन्स है डीप जोन्स है वहाँ पर आपका हेवीली पॉल्यूटेड ऑर्गेनिक मैटर के कारण आपका जो बैक्टीरिया है वो टोटल ऑक्सीजन को कंज्यूम कर जाती है और वहाँ पर कंप्लीट एब्सेंस हो जाता है ऑक्सीजन का। अब यहाँ पर बोर्ड ने जो है ऑप्शन दे रखा है आपका, ठीक है, वो ए को सही माना है बट आपका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, क्योंकि ए को एनोक्सिया कह रहा है जबकि इसमें कम्प्लीटली आपका जो है ऑक्सीजन जो है कंटेंट वो रिड्यूस मतलब हो ही ना एब्सेंस हो जाता है, बट यहाँ पर रिड्यूस कह रहा है वो होता है किसमें, तो ये होता है आपका हाइपोक्सिया में, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। कह रहा है इनमें से कौन जो है वाटर बॉर्न डिजीज का एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, वाटर बॉर्न डिजीज की यदि हम बात करते हैं तो ये ऐसे डिजीज होते हैं जो कि आपके वाटर में जो आपके लिमिट्स हैं वाटर में जो आपके पैरामीटर्स हैं उसमें चेंजेस के कारण आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यदि इन ऑप्शंस में देखें, यदि इन ऑप्शंस में हम देख रहे हैं तो डेंगू, यदि डेंगू की यदि हम बात करते हैं तो आपके मॉस्किटो से बॉर्न होने वाला जो आपका डिजीज है तो ये आपको वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। ठीक है, यदि हम मोस्ट कॉमन वाटर बॉर्न डिजीज की बात करते हैं तो इसमें टाइफाइड है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस है, ठीक है, यार्डिया है, डिसेंट्री है, आपका ये सब क्या है आपके वाटर बॉर्न डिजीज है। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, डेंगू जो है आपका वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है आपका, द लिमिटिंग फैक्टर इन इथ्रोफिकेशन इज। कह रहा है इथ्रोफिकेशन में आपका लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, पोटेशियम, नाइट्रेट्स, क्लोराइड्स और फास्फेट। यदि हम बात करते हैं जो फास्फोरस है इसको प्राइमरी लिमिटिंग फैक्टर आपका जो है प्लांट ग्रोथ जो फ्रेश वाटर में जो इकोसिस्टम में जो प्लांट्स का ग्रोथ है
उसके लिए जो है प्राइमरी लिमिटिंग फैक्टर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, कुछ सेवरल सोर्सेज ये भी आपके क्लेम करते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन है ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है आपका ग्रोथ ऑफ एल्गाई के लिए, बट हमारा जो है जो फॉस्फेट होता है यही आपका सॉइल से क्या करता है, स्टिक करता है, जिसके कारण आपका एल्गी का ग्रोथ देखने को मिलता है। तो लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है यूट्रोफिकेशन के लिए, तो आपका पोटेशियम सॉरी फॉस्फेट हो जाएगा, फॉस्फेट आपका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या है द परमिसिबल लिमिट ऑफ टीडीएस इन वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, इसका रहे इरिगेशन पर्पस के लिए जो वेस्ट वाटर होता है उसमें जो टीडीएस का परमिसिबल लिमिट है कितना है, किसके लिए, इरिगेशन वाटर के लिए। ठीक है, यदि हम एज पर सीपीसीबी यदि हम बात करते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाइडलाइन, ठीक है, ये क्या कहता है कि आपका जो एफ्लुएंट है, ठीक है, उसका नॉर्म्स को प्रोवाइड करता है इरिगेशन वाटर के लिए, जो कि आपका रूल है आपका प्रोटेक्शन का 1986 का, ठीक है, जिसमें आपका दे रखा है जो आपका इफ्लुएंट है उसमें कंफर्म करता है जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है वो आपके 2100 मिलीग्राम पर लीटर होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2100 मिलीग्राम पर लीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है द डस्ट पार्टिकल्स ड्यू टू इनर्सिया टेंड्स टू सेटल ऑन द सर्फेस ऑफ द साइक्लोन वॉल अकर्स इन, कह रहा है आपका साइक्लोन वॉल्स में जो है उस साइक्लोन वॉल जो है उसके सरफेस पर जो आपका डस्ट पार्टिकल है वो आपका इनर्सिया के कारण जो है सेटल डाउन कर जाता है, किसमें, ग्रेविटी सेटलिंग चेंबर में, फिल्टर्स में, साइक्लोन में या इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रिसिपिटेटर में। यदि हम साइक्लोन सेपरेटर्स की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यदि हम बात करते हैं किसकी, साइक्लोन सेपरेटर्स की, ये ऐसे सिस्टम होते हैं जहां पर आपके जो गैसेज होती हैं वो कॉलम में जाती हैं, अब वहां पर क्या होता है कि रोटेशन के कारण जो सिलेंड्रिकल बॉडी, यहां पर देख लीजिए यहां पर ये आपका सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, यहां से गैसेज जाएंगे, ये आपका रोटेट होगा, अब इसके रोटेशंस के कारण क्या होता है वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब जनरेट होगा तो ये गैसेज जो हैं इसके पार्टिकल आपके जो गैस स्ट्रीम के हैं वो पेरिफेरी पर आ जाएंगे और वॉल से क्या होंगे, ये कोलाइड करेंगे। ठीक है, और जो आपका वॉल है वहां पर सेपरेट आउट हो जाएंगे अपने मास के कारण। ठीक है, यहां पर सही ऑप्शन हमारा क्या मिल जाएगा, ग्रेविटी सॉरी साइक्लोन्स हो जाएंगे, साइक्लोन सेपरेटर्स। बाकी और सारे ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दे रखे हैं, पूरे एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप लोग और ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि आपका बोर्ड ने जो आंसर दे रखा है वो ए दे रखा है, जबकि आपका करेक्ट आंसर सी होगा, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ए टेक्निक इन रिड्यूसिंग द मोबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एज, कह रहा है आपका जो है जो वेस्ट में टॉक्सिसिटी और मोबिलिटी है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो टेक्निक यूज करते हैं उसका नाम क्या है। यदि हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर ट्रीटेबिलिटी की, तो ये टर्म आपका रेफर करता है इवोल्यूशन ऑफ टेक्निक, जो कि आपका एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आपका जो भी वेस्ट है उसकी टॉक्सिसिटी और मोबिलिटी को रिड्यूस करने के यूज में लाया जाता है। ठीक है, अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्राइटेरिया फॉर ट्रीटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका द ग्रीन क्लाइमेट फंड रिसेंटली सेट अप टू हेल्प पुअर कंट्रीज एडॉप्ट टू क्लाइमेट इम्पार्ट्स यूसेजेस फाइनेंशियल सपोर्ट टू द एक्सटेंट इन डॉलर पर ईयर, कह रहा है जो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है रिसेंटली जो पुअर कंट्रीज है वहां पर क्लाइमेट इम्पैक्ट के लिए जो प्रोग्राम्स है उसको एडॉप्ट करने के लिए जो है कितनी एक्सटेंट तक फाइनेंशियल सपोर्ट जो है डॉलर पर ईयर देने का जो है वो अनाउंसमेंट किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड यदि हम बात करते हैं तो ये आपका फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि आपका यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है, जो कि आपका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए। अब इसका काम क्या है, जो भी डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, वहां पर जो है जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो आपका अडॉप्ट कर सकते हैं चीजें उसके लिए आपका फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें जो भी डेवलप्ड नेशन है वो उसमें अपना पैसा पे करते हैं, जिसमें आपका 100 बिलियन डॉलर्स तक का जो है पुअर कंट्रीज को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है, किसके लिए, तो ग्रीन क्लाइमेट के लिए। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका 100 बिलियन डॉलर्स पर ईयर ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है ISO 9000:2015 डील्स विद, कह रहा है आपका ISO 9000:2015 जो है किससे डील करता है। यदि हम बात करते हैं अपना ISO 9000:2015 के लिए हम बात करते हैं कि ये आपका
फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल एंड वोकैबुलरी यूज्ड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वांटिटी मैनेजमेंट सिस्टम से आपका रिलेट करता है, ठीक है। ये आपका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए और इम्प्लीमेंट के लिए इफेक्टिव क्वांटिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फंडामेंटल एंड वोकैबुलरी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है अबाउट डॉट परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑन द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कार्बन एंड एनर्जी सोर्स इज कन्वर्टेड टू बायोलॉजिक एनर्जी ड्यूरिंग एरोबिक मेटाबॉलिज्म। अच्छा, कह रहा है कि एनर्जी, कह रहा है जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो कार्बन में स्टोर्ड एनर्जी होता है वो अब कितना परसेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम बात करते हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म की, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो सेल्स होते हैं ग्लूकोज को जो है वो कन्वर्ट करते हैं आपके शुगर में और आपके ऑक्सीजन में से लेकर के एटीपी में, ठीक है, जिसमें आपका प्राइमरी एनर्जी जो है वो आपका सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इसमें जो एनर्जी जो है एफिशिएंसी जो आती है वो आपका रेंज उसका कितना है 40-50% होता है, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन कितना हो जाएगा, अबाउट 40-50%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है आपका पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन, कह रहा है आपका पिरामिड जो है, पिरामिड ऑफ नंबर किसमें इन्वर्टेड पिरामिड नंबर किसमें यूज होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, पॉन्ड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और मेराइन इकोसिस्टम में। यदि हम फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड डेजर्ट की बात करते हैं तो ये आपके एग्जाम्पल हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, और यदि पॉन्ड लेक वेटलैंड रिवर इन सब की बात करते हैं तो ये इक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है, ठीक है। यदि पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास बनता है, ठीक है, जिसमें बेस जो होता है इस पिरामिड का वो प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है, किसको, प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है, और जो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है एपेक्स का वो रिप्रेजेंट करता है टेरिटरी या लेवल ऑफ कंज्यूमर को, ठीक है। तो यदि हम पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर प्राइमरी कंज्यूमर जो है टैडपोल, फ्रॉग, फिशेस, ये सब एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, जो कि अब कंज्यूम किसको करते हैं, ग्रीन प्लांट एंड एल्गाई फॉर देयर फूड। अब यहां पर जो आयोग ने आंसर दे रखा है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को दे रखा है, जबकि ये आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, और पिरामिड इन्वर्टेड में नहीं आता है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम, कह रहा है इनमें से कौन जो है लोटिक इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, लेक, पॉन्ड, स्वैम और रिवर। यदि हम लोटिक वाटर की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये आपका फ्रेश वाटर बॉडीज का एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर फ्लो के बेस पर आपका जो है जो आपका फ्रेश वाटर बॉडीज हैं उनका एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यदि हम लोटिक वाटर की बात करते हैं ये किससे कंपोज होता है, ये आपका फ्लोइंग वाटर बॉडीज से कंपोज होता है, ठीक है, और इस प्रकार के वाटर बॉडीज में आपका जो है वाटर जो है मूव करता रहता है, एक स्थान पर रुका नहीं रहता, जैसे आपका स्ट्रीम, रिवर, स्प्रिंग्स या आपके फ्लोइंग वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच मेराइन इकोसिस्टम आर मोस्ट प्रोडक्टिव, कह रहा है इनमें से कौन सा मेराइन इकोसिस्टम है जो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं किसका, स्ट्रेस की यदि हम बात करते हैं तो स्टोरीज की यदि हम बात करते हैं, ये आपका कोस्टल जोन में जो आपका रिवर और ओशियन मिलता है वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, यदि यहाँ इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपका यदि हम कोस्टल जोन की बात करते हैं जहाँ पर रिवर और ओशियन मिलते हैं तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट, सॉल्ट, बो, ये आपका जो है ओशियन और रिवर को मिलने पर सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये आपका सबसे प्रोडक्टिव प्लेस होता है अर्थ का, ठीक है, और वहाँ पर आपके बहुत सारी वाइड वेराइटी ऑफ लाइफ जैसे फिश, बर्ड्स, अदर ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोडक्टिव कौन होता है आपका, एस्टुरीज। चलते अगले क्वेश्चन पे, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया विद फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, कह रहा है आपका भारत कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इंडियन स्टेट्स फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट की, यदि हम 2021 की बात करते हैं, इस डाटा के अकॉर्डिंग जो है आपका एरिया वाइज यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है आपका लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आपका स्टेट है अपने कंट्री में, इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आता है।
यदि हम इस स्टेट्स को छोड़कर यदि हम यूटीज की बात करते हैं तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये आपके आते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आपका मोर देन यहाँ पर 75% फॉरेस्ट द्वारा कवर है आपका लैंड, ठीक है। और इंडिया फॉरेस्ट की यदि हम बात करें, ट्री की बात करते हैं, तो लगभग 2261 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जगह जो है लास्ट 2000 में आंध्र प्रदेश में जो है वो आपका कवर हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये आपका डाटा चेंज भी होते रहते हैं हर साल, तो आप लोग ये भी ध्यान में रखेंगे, इसको रटन नहीं लेना है, ये आपका एक तरफ करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट बिलोंग टू, कह रहे ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट जो है किससे बिलोंग करता है, क्या ऑप्शन रखा है आपका, माउंटेन, सब ट्रॉपिकल, एल्पाइन फॉरेस्ट, जंगल फॉरेस्ट या टेम्परेचर फॉरेस्ट। यदि हम बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की, ठीक है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो आपका कैरेक्टराइज किया जाता है किसके द्वारा, मॉडरेट क्लाइमेट के द्वारा विद इन डिस्टिंक्ट सीजन, एंड ये आपके डोमिनेटेड होते हैं आपका ब्रॉड लेवल पर जहां पर आपका डिसीडियस ट्री जैसे ओक, मेपल, बीच, वृक्ष ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये फॉरेस्ट आपका जो है जहां पर एम्पल बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है और मॉडरेट टेम्परेचर को मिलता है वहां पर देखने को मिलते हैं, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, जहां पर ब्रॉड लेवल ऑफ फॉरेस्ट आपको टिपिकली टेम्परेचर फॉरेस्ट रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। कहां पर देखने को मिलता है आपका, टेम्परेचर फॉरेस्ट रीजन होता है वहां पर। लेकिन यहां पर आयोग ने आंसर ए दे रखा है जो कि गलत है, बहुत सारे ऑप्शन जो आयोग ने गलत दे रखा है, यहां सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेट फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है द टाइप ऑफ फॉरेस्ट सीन अबव 3000 मीटर एलिवेशन आर टर्म्ड एज, कह रहा है 3000 मीटर के एलिवेशन पे जो आपके फॉरेस्ट जो है देखने को मिलते हैं उसे किस टाइप के फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कौन के अंदर का, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट और सब अल्पाइन फॉरेस्ट। यदि हम फॉरेस्ट की बात करते हैं जो कि आपका 3000 मीटर एवब देखने को मिलते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। ये फॉरेस्ट स्पेशली कहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पर लो ऑक्सीजन और हार्श इन्वायरमेंट हो, हाई एल्टीट्यूड पर, वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल जो है अल्पाइन फॉरेस्ट के जो है आपके ब्रिज हैं, सिल्वर फिर ट्रीज हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। और इंडिया में यदि हम बात करते हैं हिमालयन रीजन में ये आपको देखने को मिलता है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, तो अल्पाइन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन ड्राफ्टेड इन द ईयर, कह रहा है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है किस ईयर में ड्राफ्ट किया गया था, 2016, 2002, 2018 और 2019। यदि हम बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आपका इंडिया में, ठीक है, तो ये आपका जो है लॉन्च किया गया था, जो मिनिमम 1/3 जो है आपका इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो फॉरेस्ट और ट्री के अंडर आता है उसके लिए, ठीक है। ये आपका जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की यदि हम बात करते हैं, ये 1952 से आपका जो है इफेक्ट में आया, ठीक है। और सेकंड यदि हम बात करते हैं, इंडिया की तो पहला है, सेकेंड एडिशन की यदि हम बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का, वो 1988 में आया, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान देंगे। अब यदि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की बात करते हैं, इसका एम क्या है, तो इसका एम है जो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना, ठीक है, अपने जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको रिस्टोर और प्रिवेंशन करना, ठीक है। अच्छा, यदि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की बात करते हैं, तो ये अब रिप्लेस कर दिया गया है आपका दूसरे ड्राफ्ट जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 के द्वारा, इसको आपका जो है रिप्लेस कर दिया गया है। जो न्यू ड्राफ्ट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का, वो 2018 वाला जो है मार्च 2018 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। न्यू पॉलिसी का फोकस जो है इंटरनेशनल चेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज पर है, ठीक है। और ये आपका पब्लिश किया गया था किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। यदि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में बात करते हैं कब आया, तो 1972 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंडिया में कब आया आपका, 1980 में। यदि हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, तो ये आपका इंडिया में 1986 में है। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपका देहरादून पे है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इंडिया में कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। लीस्ट फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, तो हरियाणा में है। और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है आपका, 21 मार्च को। ये सब डाटा आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ड्राफ्टेड इन द ईयर, कब ड्राफ्ट किया गया, तो 2018 में ड्राफ्ट किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका लैंडफिल दैट एम्प्लॉय माइक्रोबायल प्रोसेस टू एक्सेलरेट डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज, कह रहा है आपका
कह रहा है आपका लैंडफिल, जो कि आपका माइक्रोबायल प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए डिकम्पोजिशन में यूज किया जाता है, किसमें किया जाता है आपका बायोरिएक्टर लैंडफिल में, कंट्रोल डंप में, यूनिवर्सल फिल में या ओपन डंप में। यदि हम लैंडफिल मेथड की बात करते हैं, ठीक है, तो जिसमें आपका जो माइक्रोबायल प्रोसेस होता है उसको एक्सेलरेट कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपका डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी एक्सेलरेट हो जाता है, और ये किसमें किया जाता है, इसको जाना जाता है आपका बायो रिएक्टर लैंडफिल के नाम से जाना जाता है। यदि हम बायो रिएक्टर लैंडफिल की बात करते हैं, ठीक है, इसमें मॉइस्चर और एयर को जो है आपका इंटेंशनली ऐड किया जाता है, जिससे जो माइक्रोबायल एक्टिविटी है वो आपके वेस्ट में एक्सेलरेट हो जाए, जिसके कारण जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका डिकम्पोजिशन जो है वो आपका क्विकली हो सके, ठीक है। और यहाँ पर आपका चूंकि कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, तो जो आपका जो है जो डिकम्पोजिशन रेट होता है उसको जो है हायर कर देता है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बायोरिएक्टर लैंडफिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ए ड्रॉन्ड रिवर वैली एस्टरी इज फॉर्म्ड व्हेन, कह रहा है आपका जो ड्रॉन्ड रिवर वैली एस्टरी जो है इसका फॉर्मेशन कब होता है। ए बैरियर आइलैंड्स एंड फ्रेश वाटर एंटर्स, यदि हम बात करते हैं जब आपका सी, यदि हम बात करते हैं सी लेवल यदि आपका राइज करता है और राइज करके आपका जो ग्लेशियल एज होता है वहां पर यदि आपका जो है एंड हो जाता है, ठीक है, लो लैंड्स और रिवर जहां पर इन्वेट करते हैं वहां पर एंड हो जाता है, तो उसको कारण जो है आपका ड्रॉन्ड रिवर वैली जो है उसका फॉर्मेशन होता है। सही ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, सी लेवल रोज एट द एंड ऑफ द लास्ट ग्लेशियल एज इन्वेडिंग लो लैंड्स एंड रिवर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नमामि गंगे इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन प्रोग्राम अंडर नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी प्रोग्राम वाज लॉन्च इन विच ईयर, कह रहा है नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो आपका कब लॉन्च किया गया था। यदि हम बात करते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट की, यदि हम बात करते हैं तो ये आपका यूनियन कैबिनेट जो कि आपका चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर होता है उनके द्वारा जो है अप्रूव किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका जून 2014 में, ठीक है। और नमामि गंगे यदि प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये आपका जो गंगा रिवर है उसके प्रोटेक्शन और क्लीन के लिए जो है कॉम्प्रेहेंसिव मैनर में यह आपका प्रोग्राम लाया गया, ठीक है। ये आपका यदि हम बात करते हैं, अच्छा बोर्ड ने आपका आंसर ए दे रखा है जो कि गलत है, आपका सही ऑप्शन क्या होगा आपका 2014। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे विच स्टेट इन इंडिया इज ए पायनियर इन मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज ए कंपल्सरी मेजर इन टाउन्स टू अवॉइड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, कह रहा है भारत कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर जो है ये स्ट्रिक्ट किया गया है आपका कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन अवॉइड हो सके, इसके लिए जो है वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको करना ही करना है, ठीक है, ये वहां पर अनिवार्य किया गया था। यदि हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये कंपल्सरी कर दिया है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, ठीक है, एवरी बिल्डिंग के लिए, जिससे आपके ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। जो तमिलनाडु में आपका तमिलनाडु वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन मिशन है उसके द्वारा जो ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये आपका कंजर्वेशन स्कीम जो है अटल भूजल योजना के नाम से लॉन्च किया गया था, जो कि आपका 2019 में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे द ग्राउंड वाटर मूवमेंट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक मटेरियल्स, कह रहा है जो ग्राउंड वाटर मूवमेंट होता है रॉक मटेरियल किन कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है आपका, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन कैपेसिटी। यदि हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर मूवमेंट जो है वो इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये यहाँ पे रॉक से कई कैरेक्टर हैं जिस पर डिपेंड करते हैं। पोरोसिटी की बात करते हैं, पोरोसिटी क्या होता है, ठीक है, ये बताता है कि आपके रॉक में, ठीक है, कितने वाइड स्पेस जो है उसका परसेंटेज आपका वॉल्यूम अवेलेबल है, ठीक है। ये रॉक की एक्चुअली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बताता है, ठीक है, कि आपका रॉक जो है अपने पोर्स में कितना वाटर को रोक सकता है, तो ये इफेक्ट करता है। परमेबिलिटी क्या बताता है, परमेबिलिटी ये आपके रॉक की उस आपके एबिलिटी को बताता है जिसमें आपका वाटर जो वाइड के थ्रू क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके, ठीक है। स्पेसिफिक यील्ड की बात करते हैं तो स्पेसिफिक यील्ड जो है आपका ये आपका रेशियो होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द जो वाटर आपका ड्रेन आउट हो जाता है सैचुरेटेड रॉक से उसका ये रेशियो होता है, तो ये भी आपका इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ सभी ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो ए बी सी डी आपके सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे सोलर कॉन्स्टेंट वैल्यू इन
डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, किसमें जो है सोलर कांस्टेंट वैल्यू को इस यूनिट में लिया जाता है? यदि हम सोलर कांस्टेंट की बात करते हैं तो जो सोलर एनर्जी आपके अर्थ एटमॉस्फेयर के जो आउटर एज है उसके यूनिट एरिया पर रीच करती है, ठीक है, और परपेंडिकुलरली वो रेज जो है आपका सन और अर्थ के बीच जो एरिया है सोलर पड़ती है उसको हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है, सोलर कांस्टेंट के लिए हम ओल्ड में बात करते हैं तो आपका ये आपका एस्टिमेटेड किया गया था कितना, तो 1353 जूल पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपका वो 1353 डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर में दिया गया था। यदि हम बात करते हैं न्यू में, ये वैल्यू कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली आपका 1367 आपका जो वैल्यू है इसका, ठीक है, जो कि आपका नियर बाई 1367 डब्ल्यू मीटर स्क्वायर में आता है। तो कुछ बुक में ये 1361 भी दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, तो आपका ओल्ड आपका 1353 आपका जो है और रिवाइज 1368। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे इसर्सन रीजन क्वेश्चन है, इसर्सन क्या दे रखा है, कह रहा है फॉर सोलर सेल फैब्रिकेशन दोज सेमी कंडक्टिंग मटेरियल विच हैव बैंड गैप एनर्जीज इन रेंज 1 to 1.8 EV आर मोर सुटेबल। कह रहा है आपका जो है जो सोलर सेल फैब्रिकेशन होता है उसमें सेमी कंडक्टिंग मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, तो वो आपके जिनमें आपके बैंड गैप जो है एनर्जी का 1 to 1.8 EV होता है वो मोर सुटेबल होते हैं। रीजन क्या दे रखा है आपका, द मैक्सिमम सोलर इरेडियंस इज अराउंड वेवलेंथ कोरिस्पॉन्डिंग टू 1.5 EV। अच्छा, ये मैक्सिमम सोलर इरेडियंस की बात करते हैं वेवलेंथ की, ये आपका लगभग जो है 1 to 1.8 EV के अंडर आता है, ठीक है, तो ये मान सकते हैं कि इसके अंडर आ रहा है सेमी कंडक्टर वाला रेंज, तो आपका दोनों सही है, सर्सन और रीजन दोनों करेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ex-situ मूवमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कह रहा है इनमें से कौन जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो है ex-situ मूवमेंट नहीं है। तो यदि हम बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो मेथड हैं, एक ex-situ मेथड का ऑफ कंजर्वेशन है और एक आपका जो है ex-situ मेथड ऑफ कंजर्वेशन है। यदि ex-situ मेथड ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ex-situ मेथड ऑफ कंजर्वेशन इसको हम ऑन साइट कंजर्वेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपके जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है वो उनके नेचुरल हैबिटेट के रूप में होता है, एग्जांपल जो है नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, पार्क हो गए, सेंचुरीज हो गए। बट ex-situ मेथड ऑफ कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है वो उनके नेचुरल हैबिटेट से आउटसाइड में होता है, ठीक है, जहां पर डिफरेंट टेक्निक्स के द्वारा इनके हैबिटेट को बनाया जाता है, जैसे आपका जू है, कैप्टिव ब्रीडिंग है, एक्वेरियम है, बोटानिकल गार्डन है, सीड है, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है तो ये आपका ex-situ में आएगा, ठीक है, ex-situ में तो आएगा नहीं, सही ऑप्शन यही बायो रिजर्व हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया इज, कह रहा है कि इंडिया में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं आपका तो करेंटली 553 जो है, सॉरी 573 आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में है, जो कि टोटली आपके 1,23,762.56 km² एरिया, मतलब लगभग 3.76% आप जो नेशनल लैंड एरिया है उसको कवर करते हैं। ये आपका डाटाबेस जो है आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ का 2023 का, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है, ठीक है, तो आपका जो नेशनल, और ये एरिया कौन प्रोवाइड करता है, तो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यहाँ पर बोर्ड ने जो आपका आंसर दे रखा है वो आपका आंसर सी दे रखा है, जो कि आपका गलत है, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 18 ही दे रखा है, जो कि आपका गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह द जोन विच हैज नो ह्यूमन रिसाइड्स इन द पार्क अदर देन ए पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी एंड परमिटेड पर्सन बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, कह रहा है आपका जो जू, कह रहा है आपका जो है जो वाइल्ड लाइफ पार्क्स वगैरह हैं या बायोस्फीयर है वहाँ का कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर ह्यूमंस जो है उनका जाना जो है वहाँ पर जो है मना है, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर केवल सर्वेंट जो है पब्लिक सर्वेंट जो कि ड्यूटी पर वो जा सकते हैं या जो चीफ ऑफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसके द्वारा जो परमिटेड पर्सन है वही जा सकता है, उस एरिया को क्या कहते हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो कोर जोन की बात करते हैं तो ये आपका सेंटर ऑफ द बायोस्फीयर होता है जहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी आपकी अलाउ नहीं होती है, ठीक है, ये एरिया आपका लीगली जो है प्रोटेक्टेड होता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, केवल जो सर्वेंट है जो ड्यूटी पे वो जा सकते हैं या
कोई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसके द्वारा परमिट किया हुआ व्यक्ति ही जा सकता है, ठीक है। यहां सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज, कह रहा है इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। यदि हम बात करते हैं आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका जो है लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है आपका, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का वहां पर है, ठीक है। इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1936 में पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क पहले इसका नाम था, ठीक है। यहाँ पर यदि अपने क्वेश्चन चलते हैं तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका पहला इंडिया का नेशनल पार्क है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है द ओनली मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज, कह रहा है भारत का केवल और केवल आपका मेराइन बायोस्फीयर कौन सा है। यदि हम बात करते हैं जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर की हम बात करते हैं तो ये आपको लगभग 1,50,000 हेक्टेयर जो साउथर्न कोस्ट है उसको इंडिया अक्रॉस श्रीलंका जो है उसको कवर करता है और ये आपका वर्ल्ड का जो आपका रिचेस्ट रीजन है आपका मैराइन बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। इसमें जो 21 आइसलैंड आते हैं, फिर आपके बीचेस हैं, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो कौन है आपका, तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है भारत का एकमात्र जो है मैराइन बायोस्फीयर है। अगले क्वेश्चन पे कह रहा है आपका हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, कह रहा है इंडिया में कितने हॉट स्पॉट्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट हैं। यदि हम बात करते हैं हॉट स्पॉट की तो यदि हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की बात करते हैं तो ये आपके ऐसे बायोजियोग्राफिक रीजन होते हैं, ठीक है, जहां पर ह्यूमन हैबिटेशन के कारण जो है आपके सिग्निफिकेंट लेवल पर जो है बायोडाइवर्सिटी आपका थ्रेटेंड हुआ है, ठीक है। इंडिया में ऐसे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं जिसमें आपका वेस्टर्न घाट है, हिमालयाज है, इंडो बर्मा रीजन है और आपका सदरलैंड रीजन है, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में यदि हम बात करते हैं टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। तो इंडिया में पूछ सकते कितने हैं, इंडिया में 4 हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए सब्सटेंस विच डज नॉट अकर्स इन नेचर बट इज इंट्रोड्यूस्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटी इन टू द इन्वायरमेंट अफेक्टिंग इज कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एज, कह रहा है एक ऐसा सब्सटेंस जो आपके नेचर में तो अवेलेबल नहीं होता है बट वो आपके ह्यूमन एक्टिविटी कारण जो है आपका इंट्रोड्यूस होता है और ये आपके जो है इन्वायरमेंटल जो कंपोजिशन है उसको इफेक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट, कंटामिनेंट या ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि हम बात करते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि आपके नेचर में अकर नहीं करते हैं लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वो इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, और आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं आपके कंटामिनेंट, ठीक है। पॉल्यूटेंट के यदि हम बात करते हैं ये भी सब्सटेंस जो है ह्यूमन के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बट हमारा मोस्ट जो है जनरल टर्म जो यूज कर सकते हैं वो कंटामिनेंट होगा, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा आपका, कंटामिनेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पेपर में अपने सारे क्वेश्चन जो हरियाणा के इस बार हुए थे सबको अपना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्वेश्चन को देख लिए। बाकी जो भी स्टूडेंट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अपने पेपर्स हैं जिनके भी किसी भी स्टेट के हैं तो वो हमारे जो है सिविल की गोली ऐप पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर ई बुक अवेलेबल है। बाकी कहीं भी ऐसी बुक आपको नहीं मिली किसी भी आपको पब्लिकेशन की तो आप लोग जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा अच्छे से और आपको वहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। बाकी आपको अदर कोई भी एग्जामिनेशन के पेपर का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और यदि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।